आज और कल जन्माष्टमी का त्यौहार है, जो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जब लोग श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं, वहीं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले भारतीयों के भीतर उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी की धूमधाम एक हफ्ते पहले से ही देखी जा रही है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इस पावन उत्सव पर लोग दूर दूर से कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए मथुरा वृंदावन जाते हैं, जहां मंदिरों की सजावट और झांकियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो वहीं इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी को रात 12 बजे भगवान विष्णु ने मानव रूप में 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में लिया था। देश भर में जन्माष्टमी अलग अलग तरह से मनाई जाती है, लेकिन इस त्यौहार का खास आयोजन मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलता है। कान्हा जी की माला है, पोशाक है, बांसुरी है, सब अच्छा लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट से ज़्यादा अच्छा मिलता है, यहाँ पे आप ले सकते हो। और बर्तन भी अच्छे हैं, पलंग वगैरह भी सारे अच्छे हैं। जो कान्हा जी है वो भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ जन्माष्टमी है, कान्हा जी का जन्मदिन है, और उनके लिए जैसा हम अपना जन्मदिन मनाते हैं अच्छे अच्छे पोशाक लेते हैं और जो जेवर भी लेते हैं, तो उसी तरह से हम कान्हा जी का भी मनाना चाहते हैं। कान्हा जी का मनाना चाहिए सबको। जन्माष्टमी का पर्व है और उस पर ख़रीदारी करने आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, ये दुकानें आ जाती हैं, इसके वजह से साल में उनकी भगवान जी की पोशाकें भी चेंज हो जाती हैं और नया लाते हैं जो मार्केट में नहीं मिलता और अच्छे रेट में मिलता है। कृष्ण जी के जन्मदिन पे उनका जन्मदिन है। वहीं कहा जाता है कि हर साल जन्माष्टमी के दिन वर्षा ज़रूर होती है। वहीं इस दिन लोग पूरे दिन श्री कृष्ण का जाप करते हैं और व्रत रखते हैं। श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं और उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। साथ ही इस दिन मटकी फोड़ने का आयोजन भी जगह जगह किया जाता है, जिसमें सारी नगरी गोविंदा आलारे के नारों से गुंजायमान होती है। स्कूलों में भी जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन किया जाता है, जो श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषाओं में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण अपने बाल अवतार में हमारे सामने हो। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम सारे बाजारों में देखने को भी मिल रही है, जहां लोग लड्डू गोपाल के लिए कपड़े और झूले खरीदते नजर आ रहे हैं। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 23 और 24 अगस्त यानी के दो दिन मनाया जाएगा। वृंदावन में 23 अगस्त भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा और मथुरा में 24 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। नेशन वन के लिए राजन त्यागी की रिपोर्ट।